नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करता हूँ सभी मेरे प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपने जो स्टडी है उसको बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों ने सामने देख लिया होगा बोर्ड पर देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में आज मैं आप सभी को पूरी तरीके से फुल जानकारी फुल डिटेल मैं आप सभी को दूंगा तो उम्मीद है आप सभी मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे है ना तो बिल्कुल बेटा कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इसमें आपको नोटिफिकेशन से लेकर जो आपकी सेवन एट मंथ की जो मेहनत है जो तैयारी आपको करना है यदि आप एस एस सी स्टेनोग्राफर में जॉब लेना चाहते हैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं अगर वो इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो वह अभी से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग सभी जानते हैं एस अपना नोटिफिकेशन टाइम से पहले ही आ, अपनी साइट पर डाल देता है तो आप सभी ने इसका नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा बाकी इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा ही और एक चीज और जो भी बच्चे मैथ्स में वीक हैं जिनका मैथ वीक है वो इस वीडियो को जरूर देखें और ट्वेल्थ के पास ट्वेल्थ पास करने के बाद यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा आप लोग देखिए पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या हमें इस वीडियो में करना है देखिए जो नोटिफिकेशन है वो उसकी डेट मैं आपको बताऊंगा स्टेनोग्राफर में क्या एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में भी बताऊंगा डेली रूटीन आपका क्या है उसके बाद सैलरी मतलब फुल डिटेल्स आपको मैं इसमें बताऊंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो सबसे पहली चीज है जो मैं आपको उसमें बताया है अबाउट वीडियो के अंदर जो जो डिटेल्स मैं आपको दूंगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है बाकी जो भी बच्चे वीडियो देखने के बाद फिर से देखना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल के लिंक में आपको डाल दूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें देख लीजिए आप ठीक है एस एस स्टेनोग्राफर डेट एलिजिबिलिटी सैलरी डिटेल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड हिंदी शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर एज ठीक है पैटर्न एग्जाम का क्या पैटर्न होता है प्रीवियस ईयर मतलब पेपर कैसा आया था ठीक है पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है स्ट्रेटजी कैसे हमें मतलब क्या है कि देखिए बच्चों तैयारी सभी बच्चे करते हैं मेरी नज़र में और शायद बच्चे खुद भी ये चीज़ जानते हैं जिनको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है जिनको अपने ऊपर सरकारी नौकरी का थब्बा चाहिए वो सभी बच्चे पढ़ाई तो करते हैं पर उनकी जो कहीं ना कहीं कमी रहती है वो कमी क्या रहती है वो सही तरीके से उसकी तैयारी नहीं करते हैं जिस एक शेड्यूल से जो तैयारी करनी होती है समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो एक शेड्यूल होता है ना उस शेड्यूल के साथ में हमें तैयारी करेंगे हम एक एग्जाम एक पैटर्न के हिसाब से और बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अगर हमें जॉब लेनी है तो हमें भटकना नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस करना है किस चीज पर यदि आपको कोई भी एक जॉब के लिए तैयारी आप कर रहे हैं तो केवल और केवल उसी पर फोकस करें अगर आप भटकते हैं तो आप कहीं के नहीं रह जाते बेटा क्योंकि आपका समय भी समाप्त होता है आपका समय निकल जाता है फिर एक समय के बाद आप फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करें खुद से सवाल पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए है ना तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप लोगों को समझा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है ठीक है डेली रूटीन भी मैं आपको बताऊंगा कि डेली रूटीन रूटीन क्या है और 2024 का जो एग्जाम डेट है वो भी बताऊंगा 2024 में एस एस स्टेनो का जो एग्जाम डेट है ठीक है इसके बाद स्किल इस टेस्ट की जो भी डिटेल्स हैं जो इसका मेन काम होता है प्री के बाद क्योंकि देखिए क्या होता है बेटा एस का जो स्टेनो का एग्जाम होता है उसको सी वाले भी जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भर देते हैं फॉर्म सी एच एस एल वाले भी भर देते हैं यानी एस एस सी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो सभी इसका फॉर्म फिल करते हैं पर पहले क्या होता था पहले एस अपना प्री एग्जाम के बाद प्री एग्जाम के बाद जो उसका स्किल होता था उसके लिए टाइम देता था यानी पाँच से छः महीने आप मान के चलिए क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आना है आंसर की के बाद रिजल्ट प्री का फिर उसके बाद वो आपको स्किल के लिए टाइम देते हैं ठीक है ठीके? लेकिन अब अब एस बहुत जल्दी एग्जाम करा रहा है जैसे इवन आप मान के चलिए जैसे आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है प्री का रिजल्ट आपका एक महीने के अंदर आ जाएगा वन मंथ अबाउट ठीक है ना उसके बाद आपका क्या होगा स्किल टेस्ट की डेट जनवरी या फरवरी के बीच में आ जाएगी तो जो बच्चे सी जी एल या अपने सी एच एस एल वाले बच्चे हैं वो स्टेनो जानते नहीं है वो केवल प्री निकाल लेते हैं और कट ऑफ हाई चला जाता है हमारा स्टेनो का कट ऑफ इसी वजह से हाई जाता है क्योंकि वो बच्चे क्योंकि सिलेबर जो प्री का सिलेबर्स से, है एवन सेम टू सेम रहता है ठीक है ना तो हमें क्या करना है हमें अपने लेवल पे तैयारी करनी है आपको बहुत कम बच्चों से मतलब फाइट करनी है आपको केवल एक सीट अपने लिए चाहिए और आप उसमें मेहनत करिए आपका बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि अब एस एस सी दो महीने के अंदर अपना स्किल टेस्ट ले लेता है जो पहले से स्किल स्किल नहीं जानता यानी स्टेनो नहीं जानता है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा बेटा तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है सबसे पहली चीज देखिए सबसे पहले जो है हमारा एस एस सी स्टेनोग्राफर कंप्लीट डिटेल में आपको बता रहा हूँ ठीक है एस एस सी स्टेनोग्राफर की कंप्लीट डिटेल्स जो है इसमें मैंने लिखा हुआ है देखिए बेस्ट जॉब फॉर मैथ्स वीक स्टूडेंट है ना तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है बाकी सैलरी आप देख लीजिए एक ग्रेट अधिकारी के बराबर की इसकी सैलरी रहती है इसमें बेटा दो अपने सी एंड डी ग्रुप रहते हैं दोनों की सैलरी अलग रहती है ठीक है दोनों की सैलरी इसमें अलग रहती है इसकी सैलरी नाइन्टी थाउजेंड तक जाती है अब आप सोच लीजिए एक पे स्केल कितना अच्छा है इसका इसकी पूरी मैं डिटेल आपको बताऊंगा आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ठीक है थीके? इसमें हमको प्रिपरेशन किस टाइप से स्टार्ट करनी है ठीक है स्टेटी डेली रूटीन सिलेबस शॉर्ट हैंड और टाइम और कट ऑफ ठीक है कट ऑफ भी बहुत कम जाता है ठीक है तो हम देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं जैसे बच्चों आपका मैथ्स वीक है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है है ना तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आप एक एसएससी लेवल की जो जॉब है वो आप ले सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहली चीज जो हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है जो हमारा 2024 का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का देखिए जो एग्जाम है वो टायर बन यानी आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका अक्टूबर या नवंबर के बीच में हो जाएगा ठीक है ना अक्टूबर या नवंबर के बीच में एग्जाम कंफर्म हो जाएगा बेटा ठीक है इसके बाद आपका जो ग्रेट सी के लिए ठीक है जो एज दी हुई है देखिए अठारह से तीस साल के लिए और ग्रेट डी के लिए अठारह से सत्ताईस साल के लिए इसकी एज दी हुई है ठीक है ना बच्चों तो आपको एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये एज बहुत है मैं बच्चों को बोल रहा हूं जो बच्चे ट्वेल्थ पास कर चुके हैं जिन बच्चों ने ट्वेल्थ के एग्जाम अभी दिए हैं मैंने बेटा अभी एग्जाम शायद खत्म हुए हैं सी और एम बोर्ड के तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो स्टेनो की तैयारी है स्किल और प्री की जो भी बच्चे अगर जॉब लेना चाहते हैं तो वो अभी से अपना दिमाग बना लीजिए कि मुझे एसएससी स्टेनोग्राफर या एस एस सी में कोई भी एक जॉब लेनी है ठीक है बच्चों? तो आप अभी से अपना दिमाग लगाएंगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे अन्यथा क्या होता है बेटा जब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और दूसरे लोगों की अपने दोस्त अपनी फैमिली या सभी लोगों की बातों में आते हैं और फिर आप अपने गलत जो है ऑप्शन को चूज कर लेते हैं उससे क्या होता है उससे कुछ नहीं आपका जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है उस समय को आप नहीं दोबारा ला सकते है ना तो उस समय को दोबारा ना लाने के लिए आपको क्या करना है पहला जो आपका ऑप्शन है उसको सही चूज करना है ठीक है बच्चों तो आपको मैं बता देता हूं हमें ट्वेल्थ पास से ही देखिए आपको जो एजुकेशन जो उसकी तैयारी है वो ट्वेल्थ पास से ही करना है ठीक है ना ट्वेल्थ पास आप हैं इसमें लग जाइए बिल्कुल जियोजान से बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं 2024 का जो नोटिफिकेशन है मैंने बता दिया है देखिए ये कैलेंडर है ये आप एस की साइट से चेक कर सकते हैं इसमें ये देखिए ये दिया हुआ है एस एस स्टेनो ठीक है सी एन डी जूम करके दिखा देता हूं ठीक है ये सी एन डी ठीक है एग्जामिनेशन 2024 ठीक है जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म वगैरह आपके जो भरने होते हैं जुलाई से अगस्त के बीच में भर जाएंगे ठीक है इसके बाद देखिए अक्टूबर नवंबर में इसका क्या होगा हमारा स्किल हो जाएगा सॉरी प्री हो जाएगा और उसके बाद स्किल की जो डेट है बेटा वो स्किल हाँ तो बेटा देखिए जैसे कि अक्टूबर नवंबर में हमारा क्या होना है प्री का एग्जाम होना है तो आप सभी बच्चे आप लोगों के पास जैसे कि मार्च चल रहा है अभी तो आप लोगों के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइव से सिक्स मंथ हैं है ना अभी प्री के लिए तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो स्टेनो को अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए बेटा स्टेनो आप लोगों को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा मैं ज्यादा नहीं बोल रहा आप दो घंटे अभी से दीजिए ठीक है दो घंटे आप दे सकते हैं दो घंटे के बाद आप अपना प्री के लिए फुल मेहनत करिए क्योंकि प्री निकलने के बाद ही हमारा मेंस आता है ठीक है ना तो चलिए समझ गए होंगे ये कैलेंडर आपको मिल जाएगा एसएससी की साइट पर ठीक है यहाँ से देखिए बेटा ये मैंने पोस्ट जो पे स्किल होती है ठीक है ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे आजकल के क्या है उन लोगों को सैलरी देखनी है उन बच्चों को सैलरी देखनी है कि सैलरी कितनी है तो देखिए बेटा मैंने आपको पहले ही बताया जो एस एस सी स्टैनो है देखिए यहाँ पर जो एस एस सी स्टैनो है इसकी सैलरी ग्रेड सी और डी की अलग अलग होती है ग्रेड पे अलग होता है देखिए चौबीस सौ ग्रेड पे ठीक है और फोर्टी सिक्स और फोर्टी है ना 44 ग्रेड पे अलग रहता है 42 ग्रेड पे अलग रहता है सबकी सैलरी अलग-अलग रहती है जो एक्स सिटी हैं उनमें सैलरी अलग होती है बेसिक पे जो आता है वो देखिए वो अलग है ठीक है ना यहाँ पर आपकी जो ग्रोस सैलरी है देखिए जो आपकी ग्रोस सैलरी है 73 73000 है ना जो स्टार्टिंग अप सैलरी कर सकते हैं है ना जो और सबसे बड़ी चीज एसएससी स्टेनो के अंदर आपकी जो पे स्किल है ना वो बहुत जल्दी से यानी जो आपका प्रमोशन होता है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है ठीक है ना तो इस चीज को ध्यान दीजिए बेटा और इस चीज को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए है ना तैयारी कीजिए और आपको कुछ नहीं पढ़ना है केवल आपको तीन सिलेबस पढ़ना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा ठीक है ना तो पे स्किल आप सैलरी एक्स सिटी में आप मेरी पी में भी देख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखिए बेटा जो लास्ट ईयर हमारी वैकेंसीज थी लास्ट ईयर जो हमारी वैकेंसी थी लास्ट ईयर उसके बारे में आपको बता देता हूं देखिए 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो बेटा दो साल की वैकेंसी आई थी ठीक है तो उसका कट ऑफ भी थोड़ा कम गया था है ना दो साल की वैकेंसी आई हुई थी जैसे कि उसमें टोटल वैकेंसी अपनी जो सी ग्रेड के लिए थी वो 389 आई थी सी ग्रेड के लिए 389 ठीक है और अपना जो इसके बाद इसमें डी ग्रेड के लिए अपनी क्या आई थी पैंतीस टोटल वैकेंसी आपकी क्या थी उनतालीस ये टोटल वैकेंसी थी बेटा ठीक है वो इसलिए थी बेटा कि वो दो साल की इकट्ठी वैकेंसी थी जो लॉकडाउन के बाद से अपना एसएससी का एग्जाम नहीं हो पाया था ठीक है ना जो 2023 में जो लेटेस्ट अभी वैकेंसी जो आई हुई थी जिनके सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं तो उन सभी की जो वैकेंसी अभी आई थी जो 87 सी ग्रेड में आई थी ठीक है ग्यारह अपनी डी ग्रेड में आई थी टोटल वैकेंसी बारह थी ठीक है बेटा तो वैकेंसी आप देखिए मैं आपको बताऊं 2024 में ओपन नहीं किया है एसएससी ने ओपन कभी नहीं करता है एसएससी लास्ट में जाके बताता है और शायद बढ़ भी जाती है वैकेंसी तो आप लेके चलिए वन से मतलब 1500 या 2000 के बीच में आपकी वैकेंसीज रहती हैं हर साल ठीक है हर साल, हर साल आपको मतलब पंद्रह सो या फिर एक इनके बीच में आपकी वैकेंसी रहती है ठीक है ना तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं <coughs> देखिए बेटा जो आपका एग्जाम पैटर्न है और जो टाइम टेबल है ठीक है मैंने आपको एक ऑफिशियल कैलेंडर भी दिखा दिया था उसको मैंने अलग से बना दिया है तो आप देख लीजिए टायर वन आपका होगा ठीक है ना अक्टूबर नवंबर में होगा टायर वन कब होगा आपका अक्टूबर नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर तक आपको अपना प्री एग्जाम क्लियर करना है उससे पहले आपको जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए ठीक है स्किल टेस्ट मतलब कंफर्म नहीं है पर जनवरी तक हो जाएगा है ना जनवरी तक स्किल टेस्ट आराम से हो जाएगा बेटा आप जनवरी लास्ट या फर्स्ट वीक में मान के चलिए इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो फेब तक आ जाएगा हमारा जनवरी फेब के क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि अब एस हमारा क्या कर रहा है बहुत जल्दी स्टेनो के जो स्किल टेस्ट है उसको बहुत जल्दी ले रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा दो महीने और दो महीने बहुत कम है स्टेनो की तैयारी के लिए जो बच्चे मतलब पहले से नहीं कर रखे हैं ठीक है ना क्योंकि बेटा अपन को सी ग्रेड में मेहनत करना है समझ रहे हैं आप डी ग्रेड भी है पर सी के लिए अपन मेहनत करेंगे ना तो डी तो नॉर्मल अपने आप बहुत आसानी से मिल जाएगा ठीक है ना तो हमें किसके लिए मेहनत करना है बेटा हमें सी ग्रेड के लिए करना है तो सी ग्रेड की डिक्टेशन के लिए आपको कम से कम छह महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है बेटा उम्मीद है अभी तक आप लोगों को वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं अपनी इस वीडियो के अंदर कितनी मेहनत करनी है आपको ठीक है समझ में आ रहा है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है यानी आपको सिक्स मंथ के अंदर बेटा आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी समझ रहे हैं आप इस चीज को सिक्स मंथ के अंदर तो सिक्स मंथ के अंदर आपको किसी भी हमारे सेंट्रल में कहीं पर भी जॉब मिल सकती है ठीक है आप अगर रैंक होल्डर हैं तो आप... तो ठीक है बेटा बेटा चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबसे पहले देखिए ये प्री का आपका सिलेबस है प्री में कौन से सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है कैसे करनी है पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा और एक बीच एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारा प्री का लेबस है और हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें प्री पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि जो सिलेक्शन होता है बेटा लास्ट जो फाइनल कट ऑफ भी होता है वो प्री से ही होता है जो हमारा स्किल टेस्ट है यानी मेंस है स्टेनो का जो टेस्ट होता है स्किल टेस्ट मेंस है उससे केवल क्वालिफाइंग राउंड होता है वो ठीक है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पर वो आपको क्वालिफाइंग तो करना पड़ेगा पर जो आपके प्री में नंबर होंगे उसी हिसाब से आपका फाइनल कट ऑफ बनता है ठीक है बेटा तो फाइनल कट ऑफ बनता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने मार्क्स के आते हैं जैसे कि रीजनिंग हमारी पचास नंबर की आती है ठीक है हमारी जनरल अवेयरनेस यानी जी ठीक है जी एस ठीक है इस इसके बाद इंग्लिश हमारी सौ नंबर की आती है टोटल जो हमारे मार्क्स होते हैं वो दो सौ मार्क्स का होता है ठीक है जिसको आपको वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है ठीक है कितने 120 ट्वेंटी मिनट्स ठीक है बेटा तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको 120 ट्वेंटी मिनट्स यानी टू आवर्स मिलते हैं आपको प्री के लिए तो वो आपको इसको इसमें ख़त्म करना है इसको अब कितने नंबर लाने हैं किस सब्जेक्ट में जिससे आपका सी में सिलेक्शन होगा डी में सिलेक्शन होगा मैं बता देता हूँ जैसे रीजनिंग है रीजनिंग में आपको फोर्टी से लेकर फोर्टी मार्क्स लेके आने हैं ध्यान रखिएगा इतने नंबर के लिए मेहनत करिए बेटा आगे पीछे हो जाएगा कोई इशू नहीं है पर आप मेहनत इतने नंबर से ही करिए इसके बाद जो आपका जी है जी के अंदर बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जी एस की बहुत बहुत हार्ड आती है आप उसमें ज़्यादा समय देंगे तो आप इंग्लिश पर और रीजनिंग पर फोकस नहीं कर पाएंगे उसमें समय देना है क्योंकि शायद कुछ बच्चों के सिलेक्शन जीएस की वजह से ही रुक जाते हैं तो आपको जीएस पर मेहनत करनी है ठीक है बेटा जीएस पर आपको मेहनत करनी है और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि 20 से 30 के बीच में आपको नंबर मिल जाए है ना कोशिश करिए इतने नंबर तो आने ही चाहिए ठीक है बेटा और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए जिस क्वेश्चन पर आप बिल्कुल मतलब कन्फर्म है आपको जिस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसी को टिक करिए क्योंकि माइनस मार्किंग होती है आपको पता है 0.25 का रहता है चार क्वेश्चन आपके गलत हुए एक नंबर कटेगा और माइनस मार्किंग की वजह से आपका फाइनल कट ऑफ है ना सिलेक्शन रुक सकता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद जो हमारा इंग्लिश है इंग्लिश में बेटा आपको बिल्कुल लाना ही लाना है 80 प्लस इंग्लिश के अंदर ठीक है ना समझ रहे हैं 80 प्लस लाना है बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपके आपके 80 प्लस इसमें आ रहे हैं 20 प्लस इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा 150, 155 मार्क्स आराम से आ जाएंगे और आप सी के लिए मतलब एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि जनरल का फाइनल कट ऑफ अभी सी का ठीक है 150 से लेकर 155 से लेकर 165 तक गया था ठीक है ना बेटा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जो अभी जो रैंक होल्डर्स हैं बच्चे उनके इतने मार्क्स हैं डी के लिए आपको करना है तो डी में आपको क्या करना है बेटा डी के लिए आपको ज्यादा फर्क नहीं आता है पांच से दस नंबर का फर्क है ठीक है तो आपके जैसे कि वन फोर्टी थ्री ठीक है और वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी नाइन या वन फिफ्टी ठीक है ये नंबरों को आप अपने माइंड में रख लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा देखिए मैं ये फाइनल बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ बेटा प्री का नहीं बता रहा प्री में कट ऑफ कम आता है इसके बाद जो आपका स्किल क्वालिफाई हो जाता है फिर एक बार आपका फाइनल मेरिट बनती है वो बनती इन्हीं नंबर पर है फाइनल मेरिट बनती है उस मेरिट में आपका सिलेक्शन इन नंबर से हो जाएगा तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है तो मैंने ये चीज इसलिए बनाई है कि वाई एस एस सी स्टेनोग्राफर ठीक है क्यों हमें स्टेनोग्राफर एस एस सी करना चाहिए क्यों करना चाहिए देखिए इसका कट ऑफ लो होता है ठीक क्या होता है बेटा ठीक है जो स्किल टेस्ट है ड्यू स्किल टेस्ट उसमें कट ऑफ इसका लो होता है ठीक है फाइनल कट ऑफ तो हाई चला जाता है लेकिन जो स्किल टेस्ट है ठीक है इसके बाद हायर ग्रेड पे मैंने आपको इसकी सैलरी बताई थी बेटा हमें पोस्ट के हिसाब से हायर ग्रेड पे मिलता है इसमें ठीक है फोर्टी सिक्स फोर्टी टू सॉरी फोर्टी सिक्स ग्रेड पे सी में मिलता है बेटा ठीक है ना तो उस चीज को ध्यान रखिएगा ग्रेड पे पे ज्यादा फोकस करना है ठीक है प्रमोशन बहुत तेजी से होता है स्पीड में प्रमोशन स्पीड में होता है इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद <coughs> क्या होता है बेटा <coughs> जिन बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाती है या उनके लेवल पर उनकी नौकरी नहीं लगती है कुछ बच्चे सोचते हैं यार चलो कम से कम हम एक जॉब तो ले लेते हैं ठीक है फिर वो क्या करते हैं अपने जॉब के बाद दूसरी तैयारी करते हैं किस लिए करते हैं कि हमें और अच्छी पोस्ट के लिए मेहनत करनी है लेकिन इस जॉब के अंदर आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए बेटा पोस्ट एसएससी में सबसे अच्छी है इस की ठीक है इसके बाद ग्रेड पे अच्छा है तो आपको ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं एक बार आप सी ले लीजिए ठीक है ना तो चलिए इसलिए भी आप इसको चूज कर सकते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा गुड जॉब देयर आर वेल इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं समझ में आ गया होगा आपको एस एस सी स्टेनोग्राफर में क्यों जाना है ठीक है अब मैं आपको एस एस सी का जो स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में बता देता हूं ठीक है तो स्किल टेस्ट में बेटा क्या होता है सबसे पहले आपको इंग्लिश और हिंदी स्टेनो के बारे में जानकारी होनी चाहिए ठीक है जो बच्चे इंग्लिश से करना चाहते हैं वो इंग्लिश से कर सकते हैं जो हिंदी से करना चाहते हैं हिंदी से कर सकते हैं इसमें कोई मतलब आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पोस्ट की प्रॉब्लम है ना किसी चीज की बस आपको टाइमिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा देखिए बेटा एक चीज ठीक है देखिए जो हमारा स्टेनोग्राफर डी है ठीक है पहले डी के लिए बात कर लेते हैं इसकी इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है फिफ्टी मिनट्स ठीक है जो टाइप करने के लिए टोटल मिनट्स मिलते हैं हमारे सेवेंटी ठीक है हिंदी में डी ग्रेड है तो हिंदी में डी ग्रेड के लिए क्या मिलता है हमारा सिक्सटी फाइव मिनट्स मिलते हैं बेटा और टोटल मिनट्स मिलते हैं आपको नाइन्टी ठीक है इंग्लिश सी के अंदर ठीक है फोर्टी मिनट्स मिलते हैं और फिफ्टी फाइव टोटल मिलते हैं एक्चुअली बेटा क्या होता है कि सी ग्रेड और डी ग्रेड में आपको टाइमिंग का बहुत अंतर आ जाता है ठीक है तो उस लेवल की वो पोस्ट भी रहती है ठीक है ग्रेड पे में बहुत अंतर होता है तो समझ लीजिए पोस्ट का अंतर कितना होगा एस एस सी ग्रेड सी में जाइए हिंदी में ठीक है फिफ्टी फाइव आपको टोटल मिनट्स मिलते हैं सेवेंटी फाइव आपको टोटल मिलते हैं फिफ्टी फाइव आपको उसका ये मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है स्किल आपको समझ में अभी मैं और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा इसमें क्या होता है कि बेटा आपकी डिक्टेशन होती है जो बच्चे स्टैनो के बारे में नहीं जानते वो मेरी वीडियो देखने के बाद स्टैनो की तैयारी करना चाहेंगे एक बार बिल्कुल आप लोग इसके बारे में जाने बेटा क्योंकि मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ को अभी नहीं जानते ट्वेल्थ तो के जो नए एक्सपिरंट्स हैं वो सब नहीं जानते हैं ठीक है देखिए सबने पहले से कुछ सोच रखा है जिन बच्चों ने नहीं सोचा है वो इस जॉब के लिए मेहनत करिए ठीक है इसलिए मैं समझा रहा हूं आप सभी को चलिए इसके बारे में मैं पूरी डिटेल समझा देता हूं कैसे क्या करना है आगे बढ़ते हैं देखिए बेटा हिंदी जो शॉर्ट हैंड है हमारी उसमें थाउजेंड वर्ड्स डिक्टेशन क्या होता है बेटा एक डिक्टेटर होता है वो आपको एक डिक्टेशन बोलेगा ठीक है वो डिक्टेशन आपको थाउजेंड वर्ड्स की डिक्टेशन होगी उसको आपको टेन मिनट्स में लिखना है अपनी शॉर्ट हैंड की कॉपी में देखिए कैसे या आपकी स्टेनो की कॉपी इस प्रकार की होती है ठीक है ये आपको यहाँ पर स्टेनो में लिखना है ठीक है ये थाउजेंड वर्ड होंगे बेटा कितने वर्ड होंगे थाउजेंड वर्ड्स इनको आपको वो हंड्रेड डब्लू यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हंड्रेड डब्लू पी एम हंड्रेड WPM यानी 100 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको ये डिक्टेशन बोलेगा बेटा ये C ग्रेड है ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है ये C है ठीक है ग्रेड C के लिए है ये वाली डिक्टेशन बेटा और इसको टाइप करने के लिए वो आपको मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया अभी इसको टाइप करने के लिए वो आपको 55 मिनट्स देंगे ठीक है कितना मिनट देंगे 55 मिनट्स ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है जो आपको हंड्रेड थाउजेंड वर्ड्स हैं उनको आपको क्या करना है पहले स्टेनो के लिखना है फिर उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है ठीक है फिफ्टी फाइव मिनट्स आपके इनफ होते हैं बेटा कोई ज्यादा स्पीड आप सोच रहे हो कि टाइपिंग स्पीड मुझे बहुत ज्यादा चाहिए होना चाहिए होना चाहिए आप बहुत जल्दी अपना जो आपका स्किल है खत्म करिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी कम से कम तीन से चार बार अपनी जो आपने टाइप किया हुआ है उसको चेक करिए क्योंकि बेटा छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके ठीक है फाइनल सिलेक्शन को रोक सकता है ठीक है तो देखिए आपको स्पीड कुछ नहीं चाहिए एट्टीन पॉइंट वन एट है ना ये स्पीड चाहिए आप नॉर्मल टाइप करेंगे तो फिफ्टी फाइव मिनट्स में इसके बाद बेटा डी के लिए थोड़ा आसान है उसमें आपको एट्टी की स्पीड बोली जाती है है ना डिक्टेशन डिक्टेशन जो आपकी होगी वो 80 में होगी कितने में होगी 80 वर्ड्स पर मिनट में ठीक है 800 हंड्रेड वर्ड्स की डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट के अंदर ठीक है कितने वर्ड्स की 800 हंड्रेड वर्ड्स है हंड्रेड वर्ड्स डिक्टेशन इन 10 मिनट्स बेटा इसको टाइप कितने में करना है आपको इसको टाइप करना है 65 मिनट्स ठीक है कितने मिनट में टाइप करना है 65 इसका टाइम आप देख लीजिए 12.30 इतनी स्पीड टाइपिंग की पर बेटा क्या ये आसान नहीं होता जब आप अपनी डिक्टेशन की कॉपी से पढ़कर टाइप करते हैं ना तो ये स्पीड भी आपको बहुत कम लगने लगती है आपको ज्यादा स्पीड आपकी 40-45 मैक्सिमम बच्चे लेके जाते हैं इतनी स्पीड तो होना चाहिए तो मेरा कहना यह है कि आप सभी बच्चे अभी से इसकी तैयारी करेंगे एक घंटा आप अपनी टाइपिंग को दीजिए ठीक है और चाहें तो आप तीन से चार महीने में टाइपिंग अच्छी हो जाती है हिंदी और इंग्लिश आप हिंदी से हैं हिंदी स्टैनो देना चाहते हैं तो आपको हिंदी करनी ही चाहिए ठीक है बेटा हिंदी है तो हिंदी टाइपिंग करिए इंग्लिश है तो इंग्लिश टाइपिंग करिए ठीक है तो बच्चों इसमें क्या है कि आप अभी से अभी तैयारी करेंगे तो इस तैयारी के अंदर आपको बस यह सोचना है कि मुझे प्री को कितना समय देना है एक शेड्यूल बनाइए उस चीज़ में मैंने आगे बनाया है हुआ है मैं आपको बता दूँगा अभी कि मतलब एक शेड्यूल के अंदर हमें प्री को कितना समय देना है स्किल में कितना समय देना है क्योंकि यदि कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज़ है कि हम प्री निकलने के बाद स्किल की तैयारी करेंगे एस में स्टेनो में तो वो बहुत गलत अपने दिमाग में धारणा लेकर बैठे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता इस बात को ध्यान रखना अभी से तैयारी करना है तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये शॉर्ट हैंड की जो मैंने आपको तैयारी बताई है वो समझ में आ गया होगा कैसे क्या होना है स्किल टेस्ट जो भी बच्चों कोई और क्वायरीज हैं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आप मुझे डीएम करिए ठीक है कर सकते हैं कमेंट करिए ठीक है मैं आपको सभी प्रकार की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करवाऊंगा ठीक है देखिए जो हमारा कट ऑफ गया था देखिए कट ऑफ है सी <coughs> का 136 ठीक है कितना गया था 136 थर्टी सिक्स एस सी कैटेगरी एस टी का हमारा 128 ठीक है ओ बी सी का 145 ठीक है ई डब्ल्यू एस का 147 ठीक है यू आर जनरल का 127 ठीक है अदर का 103 और वी एच का 115 ठीक है ये कैंडिडेट्स अवेलेबल थे कि इतने कैंडिडेट कैंडिडेट्स है ना चूज किए गए थे सेलेक्ट किए गए थे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखिए ये सी का और ये है डी का डी का कट ऑफ देख लीजिए आप ठीक है ना डी में जो कट ऑफ गया है डी में ओ है ये बेटा <coughs> प्री का कट ऑफ है ध्यान रखिएगा ठीक है जो फाइनल कट ऑफ था वो आगे बढ़ के वन यहाँ पर जो ओ का था वो वन फोर्टी थ्री पहुंच गया था ठीक है ना जो फाइनल कट ऑफ गया था ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जनरल का हमारा वन फिफ्टी प्लस चला गया था वन फिफ्टी शायद थ्री था ठीक है बाकी और डिटेल्स आप पीडीएफ डाउनलोड करके कट ऑफ कहीं पर भी आपको नॉर्मल तरीके से मिल जाएगा ठीक है जो भी कैंडिडेट्स हैं बेटा इतने सेलेक्ट किए गए थे और वैकेंसी आपको पता है कितनी थी इस साल 2023 में 1200 कुछ वैकेंसीज थी चलिए आगे बढ़ते हैं कट ऑफ भी समझ में आ गया होगा आपको ठीक है ये देखिए फाइनल जो कट ऑफ है ग्रेट सी का ठीक है डिपार्टमेंटल जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने इसमें दिया हुआ है किस डिपार्टमेंट में सी में क्या, क्या कट ऑफ गया हुआ है 150, 2, 154, 156, 7, 7, 58, 61, और 64. अलग अलग देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर है ना एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है यह सबसे बेहतरीन जॉब होती है एस एस सी स्टेनोग्राफर की ठीक है स्टार्टिंग सैलरी बेटा ऑफ सेवेंटी फाइव से स्टार्टिंग सैलरी है इसकी इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है टेलीग्राम रेगुलेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग कट ऑफ के हिसाब से वो कैंडिडेट को चूज़ करते हैं ठीक है ना बेटा क्योंकि अलग अलग लेवल पर अलग अलग उन लोगों की मेहनत होती है अलग अलग जिस हिसाब से वो लोग नंबर लेके आते हैं उस हिसाब से उनको ग्रेड पे और अपने हिसाब से उनको जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें तो मिनिस्ट्री लेनी है अब मिनिस्ट्री लेनी है तो बेटा वन सिक्सटी तो लाने पड़ेंगे ठीक है ना अगर आपको मिनिस्ट्री लेनी है तो वन सिक्सटी लाने पड़ेंगे ठीक है ना तो वन सिक्सटी लाने के लिए आपको मिनिस्ट्री पर जाना पड़ेगा चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ठीक है देख लीजिए डी और सी का जो फाइनल कट ऑफ है देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है पूरा मैंने ये आपको बताया था वन फोर्टी थ्री आया था ओ बी सी का जनरल का वन फोर्टी फोर डी में और सी के अंदर वन फी फिफ्टी टू और फिफ्टी फोर ठीक है बेटा ज़्यादा इसका कट ऑफ में अंतर नहीं होता ओ बी सी और हमारा एस सी और जनरल में ठीक है ई डब्ल्यू एस सारे कट ऑफ बराबर ही रहते हैं मुश्किल से दो चार नंबरों का फर्क रहता है तो तभी मैंने आपको बताया है कि जो लो कट ऑफ है लो कट ऑफ है इस वैकेंसी के अंदर ठीक है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इस चीज़ को समझ लीजिए अभी से दिमाग में लगा लीजिए कि मुझे इस नंबर के लिए मेहनत करनी है और इतने नंबर मुझे लाने हैं क्योंकि देखिए बेटा अपन प्रण करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे अगर हम अभी से प्रण करते हैं प्रण लेते हैं कि मुझे इस साल एसएससी स्टेनोग्राफर चाहिए मैं इस साल मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूँ क्योंकि देखिए बेटा सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेहनत तो लगन से लगे रही है आप लोगों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए बेटा किस शिफ्ट में 2023 के अंदर किस शिफ्ट में किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में मैंने कुछ बनाया हुआ है आप देख लीजिए देखिए सबसे पहले हम इंग्लिश के ऊपर मेहनत करते हैं इंग्लिश में देखिए जैसे वन वर्ड है जो वन वर्ड है वो टोटल जो क्वेश्चन है दो आए थे शिफ्ट सभी शिफ्ट के अंदर 0.33 के हिसाब से उसके क्वेश्चन आए थे सिनेम्स हैं एंटीन हैं आइडम्स हैं एरर करेक्शन है एरर डिक्टेशन है, 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 है ये सारा सिलेबस मैंने इसमें आपको बता दिया है कितने क्वेश्चन कहाँ कब आए हैं किस शिफ्ट में आए हैं टोटल क्वेश्चन देखिए क्लोज टेस्ट 120 ठीक है आपको किस किस को पढ़ना है किस सब्जेक्ट पर इंग्लिश के अंदर भी क्या सिलेबस है किस टॉपिक को आपको पढ़ना है मैंने पूरा बना दिया है ठीक है आप देख लीजिए सभी क्लोज टेस्ट एक्टिव एंड पैसिव ठीक है लम्बर्ड सेंटेंस और कॉम्प्रेहेंशन ठीक है देखिए नब्बे नंबर के हमारे कॉम्प्रेहेंशन आते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए देख लीजिए क्योंकि देखिए बेटा जब तक हम किसी भी वैकेंसी में अगर फॉर्म डालते हैं हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है बेटा सिलेबस आपको पता है पूरे सिलेबस की पूरी फुल डिटेल आप अपने पास रखिए और उस हिसाब से आपकी पढ़ाई को है ना आगे करिए ठीक है चीके? आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से मैंने रीजनिंग का बताया हुआ है कि रीजनिंग में हमारे कितने टॉपिक आते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ तो थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 16, 17, 18, 19, 20 और ट्वेंटी के ये टॉपिक्स हैं ठीक है इन टॉपिक में देखिए अभी इस बार ये क्या है अपना डाइस एंड क्यूब का कोई क्वेश्चन नहीं आया था ठीक है जो 2023 का जो एग्जाम के जो दोनों दिन के जो एग्जाम हैं, उनकी शिफ्टों में क्यूब और डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं आया था ठीक है बेटा तो आप लोग देख लीजिएगा इस चीज को आगे बढ़ते हैं देखिए अब जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स है ना जोग्राफी हिस्ट्री आप जो करंट अफेयर है उसका क्वेश्चन नहीं आया था इस बार करंट अफेयर्स का ठीक है वैसे आते हैं ठीक है ना करंट पूछी जाती है बेटा तो करंट पे भी आप मेहनत कर सकते हैं ठीक है बाकी स्पोर्ट्स में और फेस्टिवल्स में डांस बुक्स एंड ऑथर्स अवार्ड पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सभी टॉपिक्स में से अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे है ना तो आप इसमें इस टाइप इस की तैयारी इसको आप कर सकते हैं ठीक है सिलेबस मैंने डाल दिया है आप खुद इसको मेहनत करें और तैयारी करें इस टेनो का मैंने बता ही दिया है किस हिसाब से तैयारी करनी है ठीक है चलिए मैं बताता हूं आप लोग क्या करेंगे देखिए फर्स्ट टू मंथ हमें क्या करना है फर्स्ट टू मंथ क्या करना है किस किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है फर्स्ट टू मंथ में आप रीजनिंग को दो घंटे दीजिए ठीक है और उसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक को आपको लेके बैठना है उस टॉपिक को आप ले लीजिए आप जीको को भी दो घंटे दीजिए एनी वन सब्जेक्ट के साथ ठीक है कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए चाहे वाले ही आप रीजनिंग में ले लीजिए कुछ बच्चे रीजनिंग पहले से कर रहे हैं तो उनको ज्यादा रिविजन करने की जरूरत है बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में आप वुकेब ग्रामर और साइड बाई साइड करते जाइए क्योंकि देखिए बेटा वुकेब और वन वर्ड काफी सारे आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी स्टेनोग्राफर को आपको क्या करना है देखिए बेटा जो आपकी टाइपिंग है जो आपकी टाइपिंग है तो मेरे ख्याल से वो टाइपिंग आप लास्ट में स्टार्ट करें ठीक है तीन महीने के अंदर थ्री मंथ्स इनफ है आप अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं पर जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें और अच्छी टाइपिंग लेके जाना है या हमें कोई रिक्स नहीं लेना है तो वो मुश्किल से आप दो घंटे इसको दीजिए दो घंटे में आप स्टेनो ठीक है और टाइपिंग दोनों को लेके चलिए लेके चलेंगे तो आपका क्या होगा कि आप प्री के साथ साथ अपनी मेंस की भी तैयारी करके रखेंगे ठीक है ना बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं समझ गए ये क्या करना है इसके बाद फर्स्ट टू मंथ के बाद देख लीजिए थर्ड और फोर्थ मंथ आपको क्या करना है रीजनिंग का ओवर वाई नाव करना है यानी कि या आपको रीजनिंग खत्म कर देना है ठीक है खत्म करने के बाद केवल और केवल आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है ना बेटा इसके बाद वीकली रिवीजन करना है आपको ठीक है इसके बाद जी के आपको क्या करना है दो सब्जेक्ट पकड़ने हैं पहले आपको एक सब्जेक्ट के साथ मेहनत करनी है फिर दो सब्जेक्ट करने हैं इंग्लिश में आपको वोके ग्रामर ये करते ही चलना है इंग्लिश में आपके सारे टॉपिक ज्यादा इंग्लिश पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है इस बात को ध्यान रखना क्योंकि सौ नंबर की बेटा इंग्लिश है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी अगर इसमें आपके नंबर कम है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते ठीक है वही स्टैनो को आप आराम से दो घंटे देती जाइए क्योंकि देखिए बेटा मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं बोल रहा हूं स्टैनो के लिए प्री के लिए मुझे बताया बेटा कितना मेहनत करना पड़ता है बच्चे कितने मेहनत करते हैं जो अपने संस्थान से सिलेक्ट हुए हैं उनने कितनी मेहनत करी है जो रह गए हैं वो फिर से मेहनत करने के लिए उसी तरीके से उसी लगन से लगे हुए हैं क्यों उनको 2024 का जो एग्जाम है वो निकालना है ठीक है बेटा तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एंड सिक्स मंथ आपको क्या करना है रीजनिंग ठीक है फिर से आपको क्या करना है वीकली आपको और सबसे बड़ी बात बेटा जब आप पांचवे और छठवे मंथ पर आ जाते हैं फाइव और सिक्स मंथ तो आप क्या है मॉक टेस्ट लगाइए क्या करिए ठीक है मॉक टेस्ट लगाइए बेटा मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपका क्या रहेगा आप सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हैं फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप में कहाँ पर अभी क्या कमी है क्योंकि बेटा छह महीने तक आपका कुछ सिलेबस तो हो जाता है उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए रिविजन करिए एक घंटा अपना स्टैनो को दीजिए ठीक है रीजनिंग में समय देने के बाद आपको क्या है देखिए जीएस के नंबर कम होना इसका मतलब आपका जो सी का जो सपना है वो कम होना ध्यान रखिएगा तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है टाइम बढ़ा देना है क्योंकि बेटा ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है इसको हमें ओनली प्रैक्टिस करनी है कुछ करना ही नहीं है ठीक है इंग्लिश हमारी चली रही है इंग्लिश को हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ठीक है स्टेनो का हमारा टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए इसमें सिक्स मंथ के बाद ठीक है ना जो बच्चे पहले से कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी वो कुछ थोड़ा सा अपने टाइम में थोड़ा सा अंतर करिए ठीक है टाइम बढ़ाइए पढ़ाई का समय ज्यादा रखिए अपने जो बच्चे मोबाइल में और रील्स में आजकल टाइम बर्बाद कर रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा बेटा जो समय बीत गया वह कभी आने वाला नहीं है ना समय आपको पूछेगा और ना ये दुनिया अगर आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया ठीक है बेटा एक एज होती है जो ट्वेल्थ के बाद की जो एज होती है ना ट्वेल्थ के बाद की वही एज होती है हमें अच्छा और बुरा करने की क्योंकि जहां मैं इस चीज को समझता हूं और मेरे सभी बच्चे इस चीज को जानते होंगे कि जो सही पढ़ाई है ना बेटा सही पढ़ाई जो है वो ट्वेल्थ के बाद ही स्टार्ट होती है समझ गए आप ट्वेल्थ के बाद ही सही पढ़ाई स्टार्ट होती है जो हम स्टडी ट्वेल्थ तक करते आए हैं वो स्टडी मैं मेरी मायने में उसको स्टडी नहीं बोलते हैं रैंकर्स जो 90 प्लस लेके आए हैं बहुत मेहनत करी उन बच्चों ने अगर उन्हें सही डायरेक्शन नहीं पकड़ा तो उनके 90 प्लस जो मार्क्स हैं वो कोई मतलब के नहीं रहते हैं बेटा है ना तो जो ट्वेल्थ के बाद का जो हमारा फैसला होता है क्योंकि बेटा मेरे पास क्वायरीज आते हैं बच्चे आते हैं तो वो ये बोलते हैं सर बी कर रहे हैं बी कर रहे हैं बी कर रहे हैं बेटा कॉलेज करके क्या करोगे वो एक डिग्री है वो मिली जाएगी बिना पढ़े भी मिल जाएगी पर तुम्हें अपना नाम बनाना है अपने फैमिली का नाम करना है एक समाज में बहुत अच्छा अपना नाम करना है तो उसके लिए आपको सही टाइम पर सही फैसला लेना पड़ेगा प्रॉब्लम यह है कि कोई हमें समझाने वाला नहीं होता है डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता है हमको गलत डायरेक्शन मिल जाता है हम उस डायरेक्शन में चले जाते हैं फिर हम सोचते हैं यार शायद मेरे से गलती हो गई फिर हम वापस आने की कोशिश करते हैं पर वहां समय निकल गया होता है और बेटा दस परसेंट लोग जो होते हैं वही लौट कर दस परसेंट बच्चे में मेरे मानने में दस परसेंट बच्चे वो होते हैं जो लौट कर अपने जो समय बर्बाद हुआ है उसको दोबारा से मेहनत करके सही कर सकते हैं बाकी नब्बे परसेंट बच्चा क्या करता है वो उसी के चक्कर में घूमता रहता है उसी में अपने आप को और अपनी किस्मत को बोलता रहता है कि मेरी किस्मत में शायद ये नहीं वो नहीं बिना प्रयास करे और जब तक प्रयास नहीं करोगे सफलता कैसे मिलेगी और बिना प्रयास करे हार मानने वाले बच्चे वो कभी जॉब के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते ना वो जॉब ले सकते मेरी नजर में ठीक है ना तो मेरा ये वीडियो बनाने का बेटा एक एक लौता मकसद है कि जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं ना जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं वो बेटा इस वीडियो को जरूर देखें और उस चीज को समझें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एस स्टेनोग्राफर ही चूज करें मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आया हूं कि एस एस सी स्टेनोग्राफर आपके लिए बहुत बहुत आसान तरीका है जॉब पाने का क्यों है क्योंकि बेटा मैंने आपको पूरी वीडियो में समझाया है कि, कि किस किस चीजों में हमें कितनी मेहनत करनी है ठीक है देखिए जॉब लेनी है गवर्नमेंट अगर आपको गवर्नमेंट सेवेंटी एट्टी थाउजेंड सैलरी दे रही है तो उसके लिए आपसे कुछ तो मांगेगी है ना मेहनत तो कराएगी तो उसके लिए आपको क्या करना है अपनी मेहनत पे फोकस करना है जो भी बच्चे मैं बिल्कुल आपसे अभी भी यही बात बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है एस एस चूज करें पर ट्वेल्थ से बेटा ट्वेल्थ से आपको क्या करना है अपनी ट्वेल्थ में मेहनत स्टार्ट कर देना है चाहे वो किसी भी वैकेंसी के लिए आप जॉब करें एस करें ठीक है पी करें ठीक है यूपीएससी करें जो भी आप पुलिस करें एस SI करें दिल्ली कॉन्स्टेबल करें जितनी भी आपको मेहनत करनी है आप ट्वेल्थ के बाद स्टार्ट कर दीजिए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ये चीज समझ में आ गया बच्चा आपको आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर आपको क्या करना है बेटा अल्टरनेट सेवन और एट मंथ्स जो आपके पास लास्ट है इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा इतना ही समय दो के लिए तो आपको फुल लेंथ मोक टेस्ट देना है मैंने आपको बताया ठीक है ठीक है जीके का भी देना है रिविजन प्रैक्टिस करनी है वन घंटे और वन आवर्स के साथ अपना स्टेनो का टाइपिंग एक घंटा और एक घंटा आपको स्टेनो को देना है ठीक है स्टेनो भी आपको क्या करना है बेटा डिक्टेशन लिखने के बाद सभी डिक्ट को टाइप करना है जैसे कि आपने डिक्टेशन लिखा टाइप करना है क्योंकि बेटा टाइप नहीं करोगे पढ़ोगे नहीं तो वहां पर आपको स्किल में बहुत दिक्कत आएगी और जब प्री निकल जाता है प्री निकल जाता है फिर तो आप बस स्टार्ट हो जाइए बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए क्योंकि देखिए बेटा जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो लग जाइए स्टेनो की तैयारी मैं कराऊंगा आप मुझे प्री निकाल के दीजिए हंड्रेड परसेंट बोल रहा हूँ हंड्रेड एंड वन परसेंट बोल रहा हूँ कि आपको आईसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट मैं दिलाऊंगा बस आप प्री निकाल के दीजिए ठीक है आप मुझे मैं बच्चे को अभी जो मेरे बैचेस खत्म हुए हैं मैं बच्चे के साथ पांच से छह घंटे देता हूँ क्लास पर उसको दिन भर क्लास पर खाना क्लास पर रहना क्लास पर ही पूरा टाइम देना समझ रहे हो तो आपको उसमें क्या करना है आपको मेहनत करनी है मेहनत आपकी है क्योंकि देखिए बेटा स्टेनो टीचर केवल आपको डायरेक्ट कर सकता है डिटेक्ट कर सकता है समझा सकता है पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी ठीक है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह चीज समझ में आ गई होगी ठीक है आपको क्या करना है आफ्टर टायर वन एग्जाम यानी जब आपका एग्जाम यानी स्किल टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको डिक्टेशन करनी है डेली ठीक है डेली सिक्स टू एट हावर ठीक है ओनली डिक्टेशन फिर इसके साथ में टाइपिंग यह आपको डेली करनी है क्योंकि बेटा अगर आपको लगता है क्योंकि देखिए प्री के बाद तीन से चार दिन में आंसर कीज आ जाती जा जा है हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं हमारी कितनी मिस्टेक्स हैं अगर हमें लग रहा है और आपको लगता है कि आपके फोर्टी फाइव हैं तो आप बिल्कुल लग जाइए ठीक है ना बिल्कुल लग जाइए तैयारी सब कुछ छोड़ दीजिए सब कुछ केवल स्टैंड स्किल के लिए तैयारी कर लीजिए ठीक है तो समझ में आ गया होगा बेटा इस चीज को आपको लेके चलना है तो ऐसे ही यूनिक और अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेटा और उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी थोड़ा मुझे लगता है मैंने आप लोगों को ज्ञान की बातें ज़्यादा दे दी हैं शायद बच्चों को पसंद ना आए और जो बच्चों को पसंद आएगी वो मुझे धन्यवाद ज़रूर करें मेरे मेरे जो चैनल पर कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद